मेरे लिए भी एक सपना था, और वहाँ पे जीतने के बाद कुछ सेकंड तो यकीन नहीं हुआ कि यहाँ जीत गया हूँ। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। उसके लिए काफ़ी हद तक ग्राउंड ट्रेनिंग की थी, क्योंकि स्ट्राइकर था और पता था कि ग्राउंड पे इसको हराना आसान है, तो काफ़ी हद तक मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे फोकस किया था। तो जो चीज़ें मैंने ट्रेनिंग की थी वही से अप्लाई हुई वहाँ पर। मिक्स मार्शल आर्ट्स मैंने बॉक्सिंग से स्टार्ट किया था 2011 में। देन बॉक्सिंग के बाद मैंने फिर एमएमए देखा टीवी पे आते हुए। 13 में आई थिंक स्टार्ट हुआ था एमएमए इंडिया में। देन मैंने देखा, मैंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद फिर धीरे 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 प्रोफेशनल खेला। और उसके बाद अभी एमएमए सबसे पहले मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए स्टार्ट किया था, थोड़ा सा कि हाँ सेल्फ डिफेंस है, बट फिर इंटरेस्ट जागता रहा, फिर मैंने फिर प्रोफेशनल को करियर तरह चूज़ किया। मैंने योग्य एमएमए है लखनऊ में, जो एक इंस्टीट्यूट है एमएमए का पूरा, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अभी भी मैं वही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा रेसलिंग कोच है कॉक, जो कि इंडियन रेसलिंग वुमेन्स टीम का कोच है अभी करंटली, जो कि अभी यूएस सिटीजन है और यहाँ पे आके ट्रेनिंग करा रहा है। मेरी पहली फाइट अफगानिस्तान से हुई थी, नजीबुल्ला से, और जो कि दिल्ली में हुआ था। और वो फाइट भी मैंने फर्स्ट राउंड में ही फिनिश की थी ट्रायंगल से। मेरा सबसे यादगार तो दो फाइट्स हैं। पहली ही फाइट है अफगानिस्तान से, जो कि फाइट इस फाइट के पे अब वन चैम्पियनशिप जस्ट पहले हुई थी, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के मैच हुआ था। उसमें मैं फाइट हार रहा था, बट हार लड़ते हारते फिर एंड मोमेंट पे जीत गया था, तो वो मोमेंट बहुत अच्छा था मेरे लिए। एंड सेकेंड थी वन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जो बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें मैंने भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जो कि 1 मिनट में ही मैच फिनिश हो गया। वन चैम्पियनशिप आई थिंक हर इंडियंस जो एमए फाइटर, उसके लिए सपना है कि हाँ मैं वन चैम्पियनशिप इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसा तो मेरे लिए भी एक सपना था, और वहाँ पे जीतने के बाद कुछ सेकंड तो यकीन नहीं हुआ कि यहाँ जीत गया हूँ। उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि इंडिया वहाँ पे इंडिया के लिए भी एक अच्छा दिखा। इंडिया के एमएमए के अलावा मेरा ज़्यादातर वहाँ कुछ ट्रेनर मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ योग्य एमएमए के अंदर ही। हालांकि ज़्यादातर स्पॉन्सर है जो मेरी हेल्प करते हैं आगे की फाइट्स के लिए। आगे बॉक्सिंग कोचिंग क्लब है जो हेल्प कर रहा है मुझे स्टार्टिंग से एंड तक। जो सपोर्ट वहाँ नहीं मिल रहा है वो सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है केरला से। मुझे अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट लखनऊ कोची बॉक्सिंग क्लब ही कर रही है, क्योंकि सारी डाइट हो गया, स्पॉन्सरशिप और सारी चीज़ें कोची बॉक्सिंग क्लब ही सपोर्ट कर रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा थोड़ा सपोर्ट फैमिली सब मिलना शुरू हो गया। राणा प्रताप सिंह मोटिवेटेड दिस पीपल डेफिनेटली बिकॉज ही इज फ्रॉम ए पुअर फैमिली फ्रॉम यूपी एंड ही बिकम ए बिग स्टार इन इंडिया. दिस इज द मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द ऑल पीपल, केरला पीपल. डेफिनेटली बॉक्सिंग क्लब सपोर्टिंग हिम बिकॉज ऑफ इस स्ट्रेंथ एंड ऑल थिंग्स. एंड एक्चुअली बॉक्सिंग क्लब सपोर्टर सो मेनी प्रोफेशनल बॉक्सर्स लाइक लारी अबारा एंड फिलिपीन पीपल, बट नाउ वी आर सपोर्टिंग इंडियन. दैट्स अ प्रेस्टीज फॉर बॉक्सिंग क्लब एंड इंडिया because we supported India champion. If a person come Kerala, become a champion, winning a record like Rudra Pratap Singh and going any kind of international fight, definitely boxing club support this person. स्टार्टिंग में एमएमए में थोड़ा सा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था, तो फिर घर वाले फोर्स करते हैं कि नहीं गेम छोड़ वगैरह वगैरह। बट अभी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वन चैम्पियनशिप, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो आई होप मेरा रिकॉर्ड अभी 11 विन 0 लॉस का रिकॉर्ड है, जो कि अगर सब कुछ सही रहा तो UFC में एक आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक एंट्री हो सकती है मेरी। मेरा फ्यूचर है मैं UFC में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, जो कि शायद एक ही प्लेयर है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से। सेकंड इंडिया मैं बनना चाहता हूं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे UFC के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। फैमिली बार बार वो फोर्स करती है कि नहीं नहीं खेलना छोड़ो हटाओ, कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं है किसी गेम में। बट फिर वन चैम्पियनशिप में एंट्री के बाद काफ़ी अच्छा नाम हो गया, इसके बाद फैमिली सपोर्ट कर रही है। कॉनर मैकग्रेगर, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो उसने खुद ही अपने आप को सेट किया एक अच्छे लेवल पे।
और खुद ही को उसने प्लम्बर होते हुए भी उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए तैयार किया, तो रियल लाइफ से काफी कुछ सीखा है। हाँ, वन चैंपियनशिप की फाइट मुझे 4 महीने, मतलब फाइट के 4 महीने पहले ऑफर हुई थी कोरिया के प्लेयर से। पहले एक प्लेयर से ऑफर हुई थी बट फिर उसने बैकअप कर लिया, बैकआउट कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर से हुई, तो फिर उसका मैंने मैच गेम प्लान बनाया। काफ़ी टाइम तक रेगुलर गेम प्लान बनता था कि हाँ इसको ऐसे खेलना, ऐसे खेलना। तो मैंने उसके लिए काफ़ी हद तक ग्राउंड ट्रेनिंग की थी, क्योंकि स्ट्राइकर था और पता था कि ग्राउंड पे इसको हराना आसान है। तो काफ़ी हद तक मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे फोकस किया था, तो जो चीज़ें मैंने ट्रेनिंग की थी वही अप्लाई हुई वहाँ पे। फराद खान फाइट तो कैंसिल हो गई, बट अभी 11-0 रिकॉर्ड है मेरा। अगर दम है तो ये रिकॉर्ड तोड़ के दिखाना। दोबारा मिलेंगे पक्का ब्रेव के अंदर ही, उसी प्लेटफॉर्म पे हैदराबाद में ही। अफगानिस्तान का एक फाइटर है अहमद बिलाल, जिससे मेरी फाइट होनी थी बहुत ही पहले लेकिन कैंसिल हो गई। तो उसने कई बार फाइट के लिए बोला कि मैं फाइट करूंगा करूंगा, अगर मुझे ऑफर मिलता है तो मैं एक बार फाइट जरूर करूंगा उससे, जो कि अफगानिस्तान का एक फाइटर है, मेरे ध्रुव चौधरी। ध्रुव चौधरी से एक बार मैं फाइट करना चाहता हूँ, देखते हैं। ध्रुव चौधरी हालांकि अब तक बच्चों से जीता है, तो अभी देखेंगे कैसे क्या परफॉर्मेंस है। अभी तो फिलहाल ध्रुव चौधरी एक बार और चैलेंज किया था मैंने रिंग में, तो वीडियोस देखा था उसने बट कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो एक और बार फिर से ध्रुव चौधरी बोल रहे हैं अगर दम है तो एक फाइट हो जाए। फाइट के पहले बहुत सारे लोग सपोर्ट होता है और बहुत सारे लोग की दुआएं होती हैं, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंट होता है वहाँ पे। तो भाई भाई थैंक यू सपोर्ट करने के लिए हमेशा, एंड आई होप सब कुछ सही रहा तो आगे भी ऐसे ही मैं जीतता रहूँगा, इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा।